आदरणीय सभापति जी, एक दीर्घकालीन सेवा के साथ आज आप नई कार्य क्षेत्र की तरफ प्रयाण करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि फिजिकली आपने अपने आप को काफी फिट रखा है। एक ऐसा परिवार जिसका करीब 100 साल का इतिहास सार्वजनिक जीवन का रहा, उनके नाना, उनके दादा कभी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे, कभी संविधान सभा में रहे, एक प्रकार से आप उस परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके पूर्वजों का सार्वजनिक जीवन में, विशेष करके कांग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मूवमेंट के साथ भी काफी कुछ सक्रियता रही। आपका अपना जीवन भी एक कैरियर डिप्लोमेट का रहा। अब कैरियर डिप्लोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समझ आया, क्योंकि उनके हंसने का अर्थ क्या होता है, उनका हाथ मिलाने के तरीका का क्या हाथ होता है वो तुरंत समझ नहीं आता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वही होती है। और लेकिन उस कौशल्य का उपयोग ये 10 साल जरूर यहाँ हुआ होगा आपको, कि सबको संभालने में उस कौशल्य ने किस प्रकार से लाभ इस सदन को पहुँचाया होगा। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट, उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में, ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान 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 के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटार रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन आपके इस, मेरा परिचय ज़्यादा तो रहा नहीं, लेकिन जब भी मिलना हुआ काफ़ी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था। मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले, आने से के बाद आपसे जब बात करने का मौका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था, और वो मुझे चीज़ों को जो दिखती है उसके सिवाय क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती थी, और इसलिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है, और आपका इस, आपका कर्तृत्व, आपका यह अनुभव और इस पद के बाद की निवृत्ति अपने आप में एक लंबे अरसे तक समाज जीवन में उस बात को वजन रखती है। राष्ट्र के संविधान के मर्यादाओं के चलते हुए देश को मार्गदर्शन करने में आपका समय शक्ति काम आएगा, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।